हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत प्यारा सा मैं आपके लिए एजिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, बॉर्डर का पैटर्न लेकर आई हूँ। और इसके लिए हमने 3 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं, 3 के मल्टीपल फंदे लेंगे। और मुझसे किसी ने पूछा था कि हम मल्टीपल में क्यों फंदे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई पैटर्न बनाते हैं बुनाई में, क्रोशे में या किसी भी चीज़ में, तो हम कुछ पर्टिकुलर नंबर जो होता है उसी को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं 4 फंदों के होते हैं, कुछ 5 के होते हैं, जो हमने 4 फंदे या 5 फंदे बार बार रिपीट करने होते हैं तो उसी को हम मल्टीपल में लेते हैं। जैसे 3 फंदों का पैटर्न है तो 3 + 3 + 3 इस तरह से अगर हम फंदे लेंगे तो हमारे जो है इवनली चलता जाएगा पैटर्न, तो उसके लिए हम मल्टीपल में लेते हैं फंदे। फ्रेंड्स, होप अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें हमने 10 नंबर की मैंने नीडल्स यूज़ की है और ये 4-ply यान है, बेबी वूल, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है एक्रेलिक यान। तो चलिए सबसे पहले रो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। रो 1 के फर्स्ट स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच को रो 1 में हम स्लिप नहीं करते हैं, इसे सीधा बुना। अब हमने एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो हमने पूरी रो में ये 3 जो फंदे हैं इन्हीं को रिपीट करना है। 3 के मल्टीपल में इसीलिए हमने फंदे लिए हैं कि ये 3 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। देखिए, फिर एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, पूरी रो में ये रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 15 स्टिचेस लिए हैं, 15 फंदे लिए हैं, ये देखिए। फिर 2 उल्टे, ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे रहेंगे जिसमें से हमने इसको तो सीधा बुनना है और एच स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे क्योंकि राइट साइड है, ये देखिए। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है। अब रो 2 में हमने जैसे फंदे बुने हैं वैसे ही हम बुनेंगे। जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं इस तरफ से उन्हें उल्टा बुनेंगे, उन्हें हमने उस तरफ से सीधा बुना था, और जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे। यानी कि इस तरफ से हमारा एक फंदा ये सीधा आएगा, और सॉरी 2 फंदे ये सीधे आएंगे और एक फंदा हमारा उल्टा आएगा। फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो अभी हम इसे जल्दी जल्दी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं रो को। 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, लास्ट में हमारा जो है एक उल्टा के बाद एच स्टिच को भी हम उल्टा बुनेंगे तो 2 फंदे हमारे ये उल्टे आ जाएंगे ऐसे। ये हमने रो 2 कंप्लीट की। अब रो 3, तीसरी सिलाई हमने फिर से रो 1 की तरह ही बनानी है। तो इसमें हमने फिर से यही करना है, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर पूरी रो में एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो अब ये रो हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हमने नेक्स्ट रो में फिर से वही करना है जो हमने रो 2 में किया था। यानी कि ये हमने 4 सिलाई जो है एक जैसी बुननी है। तो ये हमने लास्ट के 2 फंदों तक, 4th रो, चौथी सिलाई बना ली है। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमने 4 सिलाइयाँ, 4 रोज जो है इस तरह से रिबिंग बनाकर कंप्लीट कर ली है। देखिए, 2 बीच में उल्टे और एक फंदा ये सीधा चलता जा रहा है। अब 5th रो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे। अब ये जो 4 फंदे हैं, सीधा उल्टा उल्टा फिर सीधा, जो ये चौथा सीधा फंदा है देखिए, इसके हमने जो बेस रो है, जो फर्स्ट रो थी पहली सिलाई, वहां से हमने एक फंदा इस तरह से निकालना है, एक लूप, ऐसे लूप निकालेंगे और इसे लेफ्ट नीडल पर लेंगे। और जो अगला ये वाला सीधा फंदा है इसके साथ इसे बैक लूप से सीधा बुन देना है ऐसे, ये देखिए। अब फिर 2 फंदे ये अगले जो है ये उल्टे आ जाएंगे, 1 2। अब फिर यही करेंगे, देखिएगा ध्यान से, धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो चौथा फंदा है
ये वाला सीधा छोड़ के ये वाला जो सीधा फंदा है इसके बेस जो बॉटम रो है वहां से हमने इस तरह से एक फंदा निकालना है, लूप निकालना है, इसे वापस रखेंगे और अगले फंदे के साथ जो अगला सीधा फंदा है उसके साथ इस तरह से बुन देंगे। फिर दो फंदे उल्टे आएंगे, तो यही हमने बार बार रिपीट करना है। देखिए दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से यहां से इस सीधे फंदे से जो है लूप निकालेंगे, ऐसे इसे वापस रखेंगे और दो फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से लूप, और ये जो फंदा है इसका एक बना लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए फिर से ये जो सीधा फंदा है इसके नीचे से हमने इस तरह से लूप निकालना है, इसे वापस रखेंगे लूप को, ना ज्यादा लूज रखेंगे ना ज्यादा टाइट रखेंगे, और अगले फंदे के साथ दो फंदों का इस तरह से एक कर लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा, ये देखिए ये जो चार फंदे हैं इसमें से एक फंदा ये वाला सीधा ऐसे, लास्ट वाला जो ये वाला फंदा है सीधा इसमें से भी हम एक लूप निकालेंगे, फिर दो फंदों का एक कर देंगे। और अब देखिए लास्ट में ये दो फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे और अगले दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रॉस में हमने देखिए ये बना लिया है। तो आपको जितना आपका जो है पैटर्न जो प्रोजेक्ट है उसकी जितनी चौड़ाई आपको चाहिए, जितनी विड्थ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फंदे कास्ट ऑन करके आपने इसे बनाना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने इतनी विड्थ का जो है बनाया है और ये बहुत सुंदर बना है। देखिए क्रिस क्रॉस में ही बनेगा, बैक साइड से भी ऐसा ही दिखता है। तो आप इसे एजिंग में यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप चाहे तो बॉर्डर को कंटिन्यू कर सकते हैं दो उल्टा एक सीधा का, या फिर आप यहीं से पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं और इस फंदों को यहां से कास्ट ऑफ करके जो है आप ये बैंड्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ये देखिए बैक के लिए बैंड बनाना है, तनी बनानी है या कुछ भी बनाना है, तो आप इससे आराम से बना सकते हैं। इस पैटर्न को यूज करते हुए बहुत ही ईजी और सिंपल पैटर्न है। तो फ्रेंड्स इसे जरूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।